यो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं आज मैं वापस निकल जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। और आज मैंने माइनक्राफ्ट में लिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट। और ये इतना ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है कि मेरे को इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। 3 से 4 दिन मैंने इसे पूरा बनाने में लिए। भले मैंने रोज़ बहुत खेला हो, कम खेला हो, लेकिन लगा टाइम। और मैं आज बनाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम, जिसमें मैं सारा सन से लेकर नेपट्यून तक सारे प्लैनेट और स्टार्स इंक्लूड करने वाला हूँ। और ये मैंने जितना सामान है सारा का सारा मैंने लास्ट स्ट्रीम पे इकट्ठा करा था। जिन्होंने मेरी लास्ट स्ट्रीम देखी होगी उन्हें पता होगा मैंने 1.5 घंटा बैठ के सारा का सारा सामान इकट्ठा करके शेल्टर में डाल के स्ट्रीम ऑफ करी थी। एंड उसके बाद मैंने वेट करा था वीडियो बनाने का। तो आज मैंने वीडियो बना लिया पूरी, और आज मैंने पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। और अब मैं इसको पूरा पूरा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैंने कैसे बनाया। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, और इसको मैं बनाने वाला हूँ। ये मेरा बहुत टाइम से ये वाला प्रोजेक्ट पेंडिंग था, ये जो ये वाला मेरे इंडियन फ्लैग वाला बिल्डिंग है इसके ऊपर। तो आज मैं इसे यहाँ पर बनाने वाला हूँ। और पहले ये जो ये मैंने बना रखा है इतना सारा सी लेंटर लगा के क्वार्ट्स लगा के, इसको सबसे पहले मैं ऐसे पूरा को पूरा तोड़ के ख़त्म करने वाला हूँ उसकी कहानी। और मैं बनाने वाला अपना वो वाला प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले इसे तोड़ते हैं, और इसे तोड़ने के करते हैं अपना वो वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट। तो भाई ये पूरा का पूरा मैंने है पूरा यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। और अब मेरे को अपना ही प्रोजेक्ट बना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करना होगा, नहीं तो वैसे मेरे को बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले काम करते हैं अपने, सबसे पहले ऊपर आ गया हूँ मैं। और दोनों साइड मतलब मैं इसे पूरा पूरा स्पेस मतलब हवा में बनाने वाला हूँ, स्पेस कह रहा हूँ। तो इसे मैं पूरा का पूरा एयर में बनाने वाला, तो मैं दोनों की दोनों साइड 64 ब्लॉक्स खींचूँगा। और इसकी लेंथ मतलब 64 इस तरफ और 64 इस तरफ, और बीच में एक ब्लॉक, तो 65x64 लेंथ है इसकी। और बाकी मैं कोनों में 10-10 वो खींचूँगा, बाकी वो ज़्यादा बड़े में वो करने की जरूरत नहीं थी। तो इसका पूरा पूरा मैं जल्दी से फ्रेम रेडी कर लेता हूँ। पूरा फ्रेम रेडी करने के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों को 2 मिनट के अंदर। तो भाई बहुत दिमाग फोड़ने का, लास्ट मेरा फ्रेम ये निकला है। तो इस फ्रेम के अंदर पहले के पहले मैंने इतना ही बना लिया, पहले मैं इसको पूरा फिल करूँगा। और इसके ऊपर मैं कम से कम 20 या 30 ब्लॉक्स की इसकी हाइट रखूँगा। तो सबसे पहले मेरे को इसे फिल करना होगा, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक काम है मेरा फिलिंग का। इसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, मैं कम से कम 3 से 4 घंटे फिलिंग निकाल लेता, क्योंकि मैं बहुत रुक रुक के काम कर रहा था। मतलब मैं पहले ये कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कम मैंने गेम खेला था उस टाइम पर। तो मैंने कम से कम हर मेरी रिकॉर्डिंग 15 मिनट, क्योंकि इसके मैंने बहुत रिकॉर्डिंग कर दी थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसे भरने के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रुक के काम करता था। सबसे पहले एक काम करते थे पूरा का पूरा भर देते हैं। तो भाई फाइनली पूरा का पूरा मैंने फिल कर दिया, और अब मेरे को यहाँ से कम 30 ब्लॉक्स ऊपर जाना है हाइट पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसे भी ऊपर लेके चलते हैं। और फिर मेरे को इसे करना है पूरे या पूरे पांचों तरफ से कवर, मतलब मैंने पांचों तरफ से कवर करना था। और मैंने कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लगा के मैंने एक पूरा का पूरा एक कवर कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर चल के आपको दिखाऊँ, पहले मैंने यहाँ से नीचे चलता हूँ, दिखाता हूँ मैंने कितना बड़ा मैंने इसे पूरे बॉक्स को बनाया है। और इस बॉक्स के अंदर सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून सारे के सारे प्लैनेट बनेंगे और स्टार्स बनेंगे। ये सारे के सारे प्लैनेट स्टार मैं इसके अंदर बनाने वाला हूँ, और ऑर्बिट्स तक बनाऊँगा मैं इसके अंदर, एक रेफरेंस में बनाऊँगा। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, मैं सबसे पहले अंदर चल के दिखाता हूँ। अभी के लिए तो पूरा का पूरा एसपी फार्म बन रखा है, क्योंकि पूरा का पूरा अंदर अंधेरा है। मैं जस्ट इसे पूरा का पूरा फिल करके छोड़ दिया था। तो सबसे पहले काम करते हैं, मेरे शल्कर बॉक्स में लैंटर्न पड़े हैं, लैंटर्न निकालते हैं और पूरे यहाँ पर लाइट्स करते हैं, मतलब लाइट अप करते हैं पूरे एरिया को। और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पर लग जाएंगे, इस पूरा काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अपने यहाँ से शल्कर बॉक्स है, वाइट वाला शल्कर बॉक्स है, ये मेरा पर्सनल शल्कर बॉक्स है, इससे मैंने निकाल लिया है सारे के सारे लैंटर्न। तो यहाँ पर मैं जितनी जगह हो सकता है उतनी जगह लैंटर्न वगैरह सब लगा के मिलता हूँ आप लोगों से 2 मिनट के अंदर। तो भाई मैंने लैंटर्न लगा लिया, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एकदम टॉप पे ब्लॉक्स लगा लगा के। और अब बारी है स्टार्स बनाने की। तो स्टार्स मैं आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा कैसे डिज़ाइन में बनाने वाला हूँ। तो पहले हल्का सा और ऊपर चलते हैं, और एक ऐसे सी लैंटर्न उसको चारों तरफ से ग्लासेस से कवर करूँगा। मेरे को पता है अच्छा लगेगा, लेकिन माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसा है नहीं जिसे मैं स्टार की वो दे पाऊँ शेप, मैं उससे दे पाऊँगा क्या कहते हैं स्टेयर से मैं दे पाऊँगा, लेकिन स्टेयर भी इतनी कूल नहीं लगी। और वो एक ब्लॉक का गैप गिरते तो बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, और इतना बड़ा इसका हाइट नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। वो मैंने ट्राई कर चुका हूँ मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर।
तो मैं सबसे पहले फिर इसे जितने जल्दी हो सकते हैं, मैं जितने स्टार्स बना सकता हूँ, जितने मटेरियल मेरे स्टार बन जाते हैं, सारे के सारे स्टार बना के मैं मिलता हूँ आप लोगों से 2 मिनट के अंदर। जब सारे जितने सारे के सारे स्टार बन सकते हैं, आप एक बार नीचे जाके इतनी मेहनत के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई सारे के सारे मैंने स्टार्स बना दिए हैं, बहुत टाइम लगा था, और अब बारी है धीरे धीरे सी लेंटन हटा के सन को बनाने की। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ सन। तो एक काम करता हूँ, पहले के वाले मेरे पास जितने शल्कर बॉक्स हो सबके सब मैं एक लाइन में सेट कर देता हूँ, फिर मैं बनाने वाला हूँ सन। ये सारे के सारे मैंने एक लाइन में एक पूरे के पूरे ढंग से लगा लिया, सब जितना मटेरियल हो सकता है सन का निकालते। और सन में थोड़े प्लेनेट से बड़ा बनाने वाला हूँ, जैसे प्लेनेट मेरे अगर बनेंगे 7x7 के, मतलब 7 हाइट के बनेंगे, तो मेरा सन बनेगा मेरा कम से कम 10 हाइट का। तो मैं सन थोड़ा बड़ा बना रहा, तो एक काम करते सन बनाते। और मैंने प्लेनेट दूसरे वर्ल्ड में ट्राई नहीं करे थे, मैंने खाली स्टार ट्राई करता, मैंने प्लेनेट वगैरह कोई भी ट्राई नहीं करता। मेरे पास इस टाइम कोई आइडिया नहीं था, मैं बस अपनी मन मर्जी से जो आता वो बना रहा। एक अच्छा सा इसका मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर रेडी करता हूँ, और फिर इसको पूरा पूरा अच्छे से वो करते हैं। और मैं गलती कर रहा था, मेरे को इसे कॉन्क्रीट से नहीं, यार मैं जितने भी बिल्ड प्लानट बनाने वाला हूँ हाफ ऑफ द मैं पूरे के पूरे बाहर से ग्लास से करूँगा, और अंदर कॉन्क्रीट लाइट सब फिल करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक ट्राई के लिए ये मैं ऐसे बनाया था, लेकिन ये मेरे को सही नहीं लगेगा, तो मैं इसे तोड़ के यहाँ पर ग्लास वगैरह सब लगा दूँगा, और ये हटा के पूरा और इस ब्लॉक में बनाता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं सन का स्ट्रक्चर रेडी करता हूँ, पूरा पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लेते पहले। तो भाई मैंने सन का स्ट्रक्चर कर दिया था रेडी, अब इसे पूरे का पूरा गिलास से करते हैं। और यहाँ से मैं ऊपर क्वाड्रिलेटर की उसमें शेप में क्वाड्रिलेटर कहूँ या ऐसा कुछ कहूँ, जिससे मैं मतलब यहाँ से मैं थोड़ा सा गिलास पहले बड़ा करूँगा, मतलब एक एक ब्लॉक आगे करूँगा और ऊपर जाके उसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा, लास्ट में जाके मेरा कुछ ये स्ट्रक्चर बनता है। अभी भी ऐसा ही नहीं बनेगा, इसमें थोड़े बहुत ऐड करूँगा, थोड़े बहुत चेंज करूँगा, तो उसके बाद मैं पूरा पूरा कर दूँगा। मैंने पूरा का पूरा सन रेडी कर दिया फिलिंग के साथ, पूरा का पूरा मेरा सन बन गया। और अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक ऑर्बिट बना रहा था अपने नेक्स्ट प्लेनेट के लिए, मैं सन बना लेता हूँ। और ऑर्बिट का मेरे को इतना कुछ वो था नहीं पता, तो मैं एक पीछे से करके ऑर्बिट पहले बना के लाया था, और सन मैंने बहुत ही ज़्यादा इजीली बना लिया। पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर करा, उसके अंदर भर दिया सबको जितना मेरे पास था ग्लोस्टोन वगैरह। अब बारी है हमारे मरकरी को बनाने की, तो मरकरी का जितना सामान हो सकता है सारा का सारा मैं कलेक्ट करता हूँ। पहले सन का यहाँ रखवा देता हूँ अपने इसके अंदर, और ये अपना मैं सारा मरकरी का सामान निकालता हूँ। और ये जितना भी मैंने बनाया, मेरे को कुछ ढंग से पता नहीं था, मैंने इसकी जितनी भी इमेजेस थी गूगल वगैरह से देख देख के बनाई है, क्योंकि इतना रेफरेंस मैं अपने खुद के दिमाग से तो बना नहीं पाऊँगा, तो मैं जितने इसके रेफरेंस थे सारे के सारे मैं गूगल से देख के बनाए हैं। तो बारी है हमारे मरकरी के बनने की, और ये थोड़ा सा छोटा बनने वाला। तो पहले मेरे को पहली बार मरकरी बनाने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स मैं बहुत ही ज़्यादा ईजिली बना लूँगा। तो एक काम करते, इसका भी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा रेडी कर लेता हूँ, तो जब इसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तो फिर इसमें फिलिंग करेंगे। तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ये पहली बार में भी परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स जैसे ही मेरे को पता लग जाएगा मेरे को कैसे बनाना है, तो सारे के सारे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो बस इसके अंदर मेरे को जैसे मैं सन के अंदर फिल करते हैं सारे के सारे ब्लॉक्स वैसे फिल करने हैं, तो अपने यहाँ से मैं कॉन्क्रीट निकालता हूँ। सन के अंदर जो मैंने ब्लॉक्स फिल करे थे उसकी माफ़ करना, मेरे पास रिकॉर्डिंग चली गई है, और मैं रैंडमली प्लेस करने वाला हूँ सारे ब्लॉक्स को, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन से चली गई है, और वो मेरे को पता नहीं वो कैसे चली गई है, लेकिन माफ़ करना। और मैं एकदम सारे के सारे यहाँ पे रैंडमली फिलिंग करने वाला हूँ, जैसे कहीं पे ग्रे तो बीच में ब्लू ऐसे करके, और कभी कहीं कहीं पे सी लेंटन, ताकि रोशनी भी रहे हमारे प्लैनेट्स के अंदर। और मैंने ऑर्बिट को बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस से बनाया हुआ है, और मेरा पूरा का पूरा मरकरी हो गया है रेडी। अभी भी छोटे मोटे डिफरेंस ऐसे बाद में करता ही रहूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फाइनल स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। बारी है दूसरे ऑर्बिट को बना के वीनस को बनाने की, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसका सारा सामान इसमें रखवाते और वीनस को निकाल देते हैं। बारी है वीनस को बनाने, वीनस को अपना बनाया करते थे स्टार्ट, जैसे मैंने मरकरी बनाए वैसे के वैसे मैं सारे प्लैनेट्स को यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो वीनस भी ऐसे एकदम सेम बनने वाला है, पहले इसका स्ट्रक्चर रेडी करना है, इसके अंदर जितना हम फिल कर सकते हैं उतना हमको फिल कर देना है। तो अच्छे से मैं पूरे पूरे सारे रेफरेंसेस नोट करके फिल करने वाला हूँ अच्छे से, और इसमें एक भी गलती ना हो, इसलिए मेरे को बहुत टाइम लगा था सभी बनाने में। मेरे को हर प्लैनेट को बनाने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट हर प्लैनेट को बनाने में लगे, स्ट्रक्चर और प्लस फिल करके सब बना के। तो पहले एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। तो भाई इसका स्ट्रक्चर कर चुका हूँ मैं बिल्कुल ही ज़्यादा रेडी, इसको बारी है पूरा का पूरा ढंग से फिल करने की।
तो इसके स्ट्रक्चर से पहले अंदर चलते हैं और इसको पूरा का पूरा अच्छे से फिल कर देते हैं। और आज मेरे साथ हुआ है बहुत ही बढ़िया से बढ़िया स्कैम। स्कैम नहीं, पता नहीं, मेरे रिकॉर्डर ने मेरे को धोखा दे दिया था बिल्कुल ही। मेरे रिकॉर्डर में जो मैंने अर्थ और मार्स बनाया उसकी फाइल पूरी पूरी करप्ट हो गई है, और अर्थ और मार्स की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। वैसे वो बन चुका था, और जब मैं मार्स का स्ट्रक्चर बनाया था तब मुझे पता चला था कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले से फिल करते हैं और फिर मैं उसके बाद आपको ट्यूर दे दूँगा अर्थ और मार्स का, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग तो बनाते हुए है नहीं, तो उसका सिर्फ ट्यूर ही दे देंगे और क्या ही कर सकते हैं। तो भाई हमारा वीनस पूरा का पूरा हो चुका है रेडी। अब बारी है आपको अर्थ और मार्स की पूरी की पूरी अच्छे से ट्यूर देने की, क्योंकि वो तो बन नहीं पाया तो उसको मैं अच्छे से ट्यूर दे दूँगा। और मेरी रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी करप्ट हो गई, जिसके बाद मेरा पूरा का पूरा इतना नुकसान हुआ था मैं बता ही नहीं सकता। पहले आप देखो, मैंने यहाँ पे वीनस बना रखा है, ये है हमारा अर्थ और ये हमारा मार्स। तो इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपनी क्लिप की, मतलब जो ये क्लिप है इसकी थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब होगी, क्योंकि जब भी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं करप्ट, उसके बाद रिकॉर्डर जितनी क्लिप्स होती हैं उनको थोड़ी देर के लिए पोर्ट्रेट स्क्रीन में रिकॉर्ड करता है। पोर्ट्रेट स्क्रीन को अगर हम क्रॉप करके यूट्यूब स्क्रीन में लाते हैं, मतलब लैंडस्केप स्क्रीन में लाते हैं, तो हो जाता है हमारा पूरा का पूरा ब्लर। तो भाई थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो गई, तो मार्क्स फिल करना बचा था उस टाइम पे, जब मैंने अपने को पता चला कि मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई है। तो काम करते थे ढंग से फिल कर देते हैं, और फिर इसके बाद हमारे को और भी काम करने हैं। इसके बाद मेरे को बनाना है हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और जुपिटर तो नॉर्मल बनेगा, लेकिन सैटर्न में मेरे को बनानी है रिंग, और नेपट्यून और यूरेनस, मतलब यूरेनस और नेपट्यून, वो मैं विदाउट ग्लास सीधा कॉन्क्रीट से बनाने वाला हूँ। एक काम करते हैं, ये तो मेरा हो गया पूरा पूरा मार्स भी रेडी। अब बारी है जुपिटर बनाने की, तो इस सामान को लगता है तो लेके आते हैं जुपिटर का सामान। तो भाई अब बारी है जुपिटर को बनाने की, तो एक काम करते हैं इसका भी जल्दी से स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर रेडी करके इसको फिल करना है, और जितनी मेहनत इसमें लगी उतनी लगी हमारी सैटर्न के अंदर, क्योंकि इसकी रिंग को बड़े ही रेफरेंस से बनाना पड़ता। वो मैंने ब्राउन कॉन्क्रीट से बनाना है, मेरे को पता है वहाँ पर स्टोन होते हैं असलियत में, लेकिन मैं इसमें भी एकदम सब कुछ रियल नहीं बना सकता, मतलब बना तो सकता लेकिन इसमें है ही नहीं इतना ज़्यादा मटेरियल कि मैं एकदम सब रियल बना चुका हूँ बना पाऊँ। तो मैंने अपने उससे थोड़े से अपनी मर्जी से थोड़ा बना दिया, उसका स्ट्रक्चर हो चुका है रेडी। अब इसको मैं को करना है अच्छे से पूरा का पूरा फिल, उसके बाद मैं बनाने वाला हूँ सैटर्न। पे काम करता है, इसे पहले पूरा का पूरा ढंग से फिल कर देता हूँ। भाई फाइनली जुपिटर रेडी हो गया, और जुपिटर रेडी करते हैं मुझे पता चलता है कि यहाँ पे पूरा पूरा स्पेस ख़त्म हो गया। 64x64 की लेंथ भी कम पड़ गई है, तो मैंने पूरा पूरा काउंट कर लिया, मुझे 35 ब्लॉक्स और आगे जाना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये है कि मेरे को जो पीछे मेरी पूरी की पूरी वॉल है इसको हटा के 35 की और करना है, और पूरे की पूरी 6 तरफ से जैसे कवर है उससे कवर करना पड़ेगा। तो भाई बहुत काम है, तो काम करते सबसे पहले इस वॉल को रिमूव करते हैं, फिर उस पूरे के पूरे काम को जल्दी से, मतलब उस पूरी की पूरी छत को इस तरह से वो करेंगे कवर। तो ये पूरी की पूरी वॉल हट गई यहाँ से। अब मेरे को 2 सेकंडों में ये पूरे के पूरे को आगे 35 तक लेके जाता हूँ, उसके बाद करता हूँ पूरे 6 तरफ से कवर। आप लोगों के लिए 2 सेकंड है, मेरे लिए 2.5 घंटे का काम है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को इस काम में, और जब मेरे को ये पता चला था कि मेरे को काम करना पड़ेगा, मैं सोचता हूँ प्रोजेक्ट में कर देता हूँ। जैसे मैंने अपना ये चंक खोदने वाला प्रोजेक्ट अभी तक रोक रखा है, वैसे मैं इसको भी सोचता था ख़त्म करता हूँ, लेकिन नहीं भाई आज मैं आया है तो पूरा पूरा ख़त्म करके जाएगा। तो एक काम करते हैं पूरे का पूरे कम्प्लीट कर लेते हैं। तो भाई फाइनली मैंने 2.5 घंटे बोला, लेकिन मेरे को लग गए पूरे के पूरे 3 घंटे, और मेरे को इतना टाइम लगने के बाद मेरे को इतना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, और अब फाइनली जाके मेरे पूरे का पूरा 35 ब्लॉक लेंथ आगे हो गया, और पूरे एकदम से अच्छे से कवर भी हो गया ये। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस मेरे को यहाँ पे सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये 3 प्लैनेट बना के इस पूरे के पूरे बेल्ट को करना है रेडी। थोड़ी बहुत फिनिशिंग होगी, जैसे ये लेंटर्न हटेंगे यहाँ पर लाइटें लगेंगी सारी अच्छी अच्छी, और पूरा का पूरा नीचे जहाँ पे मेरा ये नीचे जो बिल्ड है मेरा, जहाँ पे इंडिया फ्लैग लगा हुआ है मेरा, वहाँ से ऊपर आने तक का पूरा मेरे को लिफ्ट बनाना पड़ेगा, टनल बनाने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। तो पहले मैं काम करता हूँ, मैं सैटर्न बनाता हूँ, तो सैटर्न का स्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ पहले ढंग से।
सैटर्न का स्ट्रक्चर हो चुका है एकदम ही ज़्यादा रेडी। अब इसको अच्छे से पूरा फिल कर लेते हैं, फिर बनाते हैं इसकी रिंग। हमारा सैटर्न का काम हो जाएगा कंप्लीट। तो मेरे को 2 सेकंड दो, मैं इस पूरे को अच्छे से फिल कर लेता हूँ। तो भाई पूरा का पूरा सैटर्न भी हो गया हमारा रेडी। अब इसकी बनानी है रिंग। तो मैं ब्राउन कॉन्क्रीट लेके आ चुका हूँ और बस जैसे सिंपल मैंने ऑर्बिट्स बनाई है वैसे चारों तरफ से इसको ब्राउन कॉन्क्रीट से इसकी रिंग बना लेता हूँ। और फिर मेरे को बनाना है यूरेनस और नेपट्यून, और वो मैं बनाना वाला हूँ सीधा कॉन्क्रीट से विदाउट ग्लास, विदाउट यूजिंग ग्लास, इसलिए क्योंकि उसमें ग्लास इतना अच्छा नहीं लगा था। मैंने ट्राई करा था दूसरे वर्ल्ड्स में तो अच्छा नहीं लगा था। तो मैं ऐसे काम करता हूँ सीधा सीधा यूरेनस और नेपट्यून दोनों के दोनों बनाना स्टार्ट करता हूँ, दोनों के दोनों साथ में कंप्लीट करके मिलता हूँ आप लोगों से लास्ट में, क्योंकि इतना इनमें कुछ काम नहीं है, बस इनको स्ट्रक्चर बना के लेंटल लगाने हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके एकदम लास्ट में। तो भाई फाइनली मेरे नेपट्यून यूरेनस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने सन से लेके पूरे के पूरे नेपट्यून तक जितने प्लैनेट थे सारे बना दिए विद स्टार विद ऑर्बिट्स, सारा का सारा मेरा इस चीज़ का काम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी मेरा बहुत काम बचा है, जैसे यहाँ से सारे लैंटर्न लगे हैं, सारे की सारी लाइटिंग लगानी, नीचे जहाँ जहाँ पे अंधेरा हुआ स्ट्रक्चर कर वो सही करना, और नीचे का पूरा जितना भी बेल्ट यहाँ से लिफ्ट बनाना, टनल बनाना, बोर्ड बनाना, तो बहुत काम है। एक काम करता हूँ मैं, सारा का सारा काम जितना काम है लास्ट तक एकदम सारा का सारा कंप्लीट करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से 2 मिनट के अंदर सीधा। तो सीधा का सीधा जितना काम है सारा कंप्लीट करके मिलता हूँ मैं आप लोगों से 2 मिनट के अंदर। तो भाई 2 मिनट बोले थे लेकिन 1 घंटा लग गया मुझे यार सारा का सारा काम कंप्लीट करने में। बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई है, एक एक चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा, जितना मेरे को लगा मैंने सारा का सारा काम करा। और पीछे देखो मेरी इंडिया वाले फ्लैग की बिल्डिंग कितनी बढ़िया लग रही है, और उसके ऊपर है हमारा बिल्ड, और यहाँ पर मैंने हर जगह लैंटर लगा दिया जहाँ दे रहा था, और ऊपर भी अच्छे से लाइटिंग। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं अंदर, मैं आपको उसका पूरा बहुत अच्छे से टूर देता हूँ। यहाँ से एंट्री करोगे लेफ्ट में जाओगे तो ये आपको लेके जाएगा फ्लैग के कोने से, एक छोटी सी लिफ्ट जा रही है ये आपको लेके जाएगा फ्लैग के ऊपर वाले फ्लोर पे, और वहाँ से आपको थोड़ा सा चल के जाना है लेफ्ट की ओर। और फ्लैग के ऊपर मैंने ब्लॉक्स लगाए, फ्लैग के ऊपर मैं चल के नहीं जाने वाला हूँ, मैंने इस चीज़ को भी रेफरेंस से पूरा ध्यान लगाया। और यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एंटर के बोर्ड दिख जाएंगे जो कि हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा राइट से। तो राइट में एक टनल होगी, टनल आपको लेके जाएगी मेन म्यूजियम की, ज्योग्राफी म्यूजियम कह सकते हैं, ज्योग्राफी के म्यूजियम है ये, और नॉलेज के लिए बनाया गया इसे कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको टनल लेके जाएगा सीधा का सीधा मेन लिफ्ट की ओर, जो मेन लिफ्ट आपको सीधा पहुंचाएगी हमारे बिल्ड की ओर। और ये लिफ्ट मैंने बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाई है, मैंने इसमें 2 से 3 बार कैप लगा के अच्छे से सोल्यूशन लगाई और सीधा मैं आ गया ऊपर, और हम पहुंच गए अपनी बिल्ड की। और यहाँ से आप सीधा एंट्री करोगे, मैंने यहाँ पे ग्लास की बाउंड्रीज लगाई हैं, नीचे मैंने वाइट ग्लास लगाया और ऊपर मैंने नॉर्मल ग्लास लगाया, नॉर्मल ग्लास था नहीं भाई, उसके लिए भी मेरे को पूरी की पूरी स्टैंड वगैरह करके करना पड़ा। तो भाई ये देखो पूरा का पूरा कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारा सैटर्न, ये हमारा यूरेनस नेपट्यून, ये मैं चढ़ के दिखा रहा था। और मैं इस चीज़ को पूरा का पूरा अच्छे से तब करने वाला हूँ जब मेरे सर्वे में मेरे फ्रेंड्स आएंगे, मतलब मैं पूरे का पूरी जो बिना बिल्ड है इसमें आप, मैं ऐसा कर दूँगा बिना टिकट के आप एंटर नहीं कर सकते, अब मैं इसमें ऐसा कुछ लगा दूँगा जिससे आप बिना पिकैक्स से तोड़ के एंटर कर ही नहीं सकते। बाकी सारे के सारे प्लेनेट इनका टूर तो मैं आपको देता ही, मैंने आपके सामने ही बनाया इसका टूर देने की आपको जरूरत है नहीं, वैसे अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इसका टिकट वाला सिस्टम बना दूँगा जिससे आप बिना टिकट के ऊपर आ नहीं पाओगे। लेकिन अभी तो ये नॉर्मल विजिटर्स के लिए फ्री है। अगर मेरा कोई फ्रेंड चाहता है SMP में आने के लिए तो मेरी नीचे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी होगी, वहाँ पर DM करके आप मेरे SMP में खेलने के लिए रोल ले सकते हैं। एंड ये मेरा पूरा का पूरा काम अब हो गया फाइनल रेडी, यहाँ से चलते नीचे। और लगी है मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत इस काम को करने के अंदर, भाई लिटरली मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया इस काम को करने के अंदर। आप लोगों के तो भाई बहुत ही छोटी वीडियो थी, 20 मिनट की वीडियो थी, मेरे 13 घंटे की थी। तो अगर आपको इस SMP में खेलना था मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर देना, मेरी आईडी में आपको इंस्टाग्राम के उसमें मतलब इसके डिस्क्रिप्शन के कमेंट में दे दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप DM कर देना, मैं आपको SMP में कोई ना कोई चीज़ का रोल दे ही दूंगा, मिल जाएगा। वैसे अभी तो आगे देखा जाएगा। और अब मैं यहाँ से आगे हूँ सीधा बाहर, चलते यहाँ से ऊपर, ये मेरा पूरा का पूरा बिल्ड हो गया है रेडी। तो अगर भाई आपको ये पूरा का पूरा बिल्ड और ये पूरी की पूरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, बहुत ही ज़्यादा मेरे को मेहनत लगी है। और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे कंटेंट को पसंद आता हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और ही ज़्यादा शानदार कमेंट करिए। फायदा में मिलता मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हल्का सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कि आपको ये कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।